तो मेरा नाम है अमित। सबको माँ बहुत प्यारी होती है, लेकिन उसके जो शरीर का सबसे नाजुक अंग होता है वो होती है कोख। तो उस कोख के ऊपर कुछ चंद लाइनें कि अभी आंख खुली थी मेरी मगर मैं ख्वाब में था, कि अभी आंख खुली थी मेरी मगर मैं ख्वाब में था, क्योंकि इन दीवारों ने कान लगा के मेरी सारी बात सुनी थी। हां, इन दीवारों ने कान लगा के मेरी सारी बात सुनी थी। शायद इनको मालूम हो गया था कि मेरे घर में रहने वाली एक औरत थी जिसकी कोख आज भी सुनी थी। और औरत की कोख में रहने वाली इबादत आज चल के बुरखे में बाहर आई थी। औरत की कोख में रहने वाली इबादत आज चल के बुरखे में बाहर आई थी। डर गई थी जमाने से थोड़ा, तभी पांच वक्त की नमाज मंदिर में पढ़ाई थी। और मेरी बांझ सी कलम ने, कंफर्मेशन नहीं है कि वो बांझ है, कि मेरी बांझ सी कलम ने कुछ अल्फाजों को यूं जन्म दिया था, कि मेरी बांझ सी कलम ने कुछ अल्फाजों को यूं जन्म दिया था। जोड़ लिए थे हाथ मैंने, झुका लिया था सर अपना, और बस औरत की कोख को कुछ यूं कुछ इस तरह से नमन किया था। और ये जो छत है, इन दीवारों के लिए बोझ है। ये जो छत है इन दीवारों के लिए बोझ है। तुम्हें और तकलीफ नहीं, सिर्फ तुम्हारी सोच है। और ये जिस्म जो जब जिस्म जल जाता है तो राख बन जाती है, वो लोटे में होता है, पर वो तब भी जिस्म होता है। कि ये जिस्म लोटे में क्या कर रहा है, कि ये जिस्म लोटे में क्या कर रहा है। हवाओं ने शोर किया है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या। वो जिस्म जो लोटे में है वो भी डर रहा है। मोहब्बत, किताबें, आयतें, धर्म, रीति रिवाज, सबके सब बेकार नजर आते हैं। तुम यकीन करो मेरा कि अगर मैं अपनी आंखें भी बंद कर लूं तो तुम्हारे भगवान मुझे मेरे कटघरे में खड़े नजर आते हैं। अच्छा, मोस्टली पोइट्रीज में कहा गया है कि एक शब्द द्वारा ना आए, कि मतलब एक शब्द द्वारा ना आए। ये छोटे छोटे रूल्स होते हैं जो मेरे को पता लगी थी बात, बट उससे पहले मैंने एक वर्ड प्ले करा था सिर्फ एक शब्द को लेकर, जिस शब्द का नाम है वक्त। तो उसके ऊपर कैसे करा था कि है वक्त वक्त से, है वक्त वक्त से वक्त को वक्त ना, है वक्त वक्त से वक्त को वक्त ना। वक्त है मगर वक्त कौन, चलो आज वक्त लेके देते हैं वक्त से वक्त को। वापिस से एक बार माँ के ऊपर आऊंगा कि मुझे सबको माँ बहुत प्यारी होती है, और आपने तो बहुत ही प्यारा सुनाया। तो माँ के ऊपर चंद लाइनें ऐसे हैं कि माना कि चूल्हे पे जलती रोटियां मेरी माँ की उंगलियों को जलाया करती है, माना चूल्हे पे जलती रोटियां मेरी माँ की उंगलियों को जलाया करती है। पर इस जमाने में इकलौती वो ही तो औरत है जो अपनी जली हुई उंगलियों से भी हमारी भूख को मिटाया करती है। पर चूल्हे पे जलने के बाद चार रोटियां तो कुछ यूं खाक हो गई, पर चूल्हे पे जलने के बाद तो चार रोटियां कुछ यूं खाक हो गई। हमें तो माँ के बारे में याद भी तब आया जब मरने के बाद उसकी मिट्टी भी राख हो गई। बचपन में सबके साथ हुआ है कि हमारे पास ना एक गुल्लक हुआ करती थी घर टाइप में, जिसमें से एक कुत्ता से बाहर निकल के आता था, पैसे अंदर ले जाता था, वो घर होता था एक्चुअली में। तो उस घर के ऊपर कुछ लिखा है कि मैंने एक घर में एक घर देखा है, मैंने एक घर में एक घर देखा है, उस घर की आंखों में मैंने छोटे बच्चों का डर देखा है, मैंने एक घर में एक घर देखा है, उस घर की आंखों में छोटे बच्चों का डर देखा है। शायद टूट के बिखर गया था वो घर, ना फिर मैंने वो उधर देखा है, ना फिर मैंने वो उधर देखा है।
और लड़कियों के ऊपर बात चली थी तो मैं ऐसा कोई मोहब्बत वाली नई चीज बोलूंगा, वरना बाद में मेरे ऊपर भी आएगा कि ये भी दिल जले आशिक है। हाँ बस लड़कियों की जुबान की तरफ से चंद लाइनें सिर्फ, क्यों कुछ तकलीफें हैं उन्हें। ऐसा है कि जब वो मना कर देती हैं किसी को तो वो तकलीफें ऐसे होती हैं कि मैं तेरी ना हो सकी, मैं तेरी ना हो सकी सिर्फ इसलिए मुझे बदनाम कर दिया, मैं तेरी ना हो सकी सिर्फ इसलिए मुझे बदनाम कर दिया, मैं तो यहां चुन्नी ही ठीक करती रही और तूने मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया। कभी सोचा है कि कैसा लग रहा होगा मुझे, कभी सोचा है कि कैसा लग रहा होगा मुझे कि तूने उठा के मेरे चरित्र पे खुद का नाम कर लिया, मैं तो तेरी ना हो सकी सिर्फ इसलिए मुझे बदनाम कर दिया। शुक्रिया। तो इस चैनल को जो TFC है द फन क्यूब, इस चैनल को आप प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद।